नमस्कार, मेरा नाम कपिल है। हम आपके वीडियो मित्र हैं। हम आपसे वीडियो प्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें करेंगे। डिजिटल ग्रीन में हम बहुत सारे वीडियोस और फिल्म्स बनाते हैं। ये वीडियोस और फिल्म्स देश भर में कई भाषाओं में बनती है। ये वीडियोस बनाने वाले आप ही के जैसे लोग हैं, और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे पहले कभी वीडियोस नहीं बनाए। अगर हम वीडियो प्रोडक्शन की कुछ बुनियादी बातों की जानकारी हासिल कर लें तो वीडियोस बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम वीडियो प्रोडक्शन की बुनियादी बातों की समझदारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक वीडियो या फिल्म बहुत सारे सीन्स को जोड़कर बनती है, और ये सीन बहुत सारे शॉट्स को जोड़कर बनता है। आप पूछेंगे, ये शॉट क्या होता है? दरअसल जब हम कैमरा चालू करते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, तब से लेकर जब हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, तब तक जो भी कैमरे में रिकॉर्ड होता है वो शॉट कहलाता है। ये शॉट कई तरह के होते हैं। जब हम किसी वीडियो या फिल्म की शुरुआत करते हैं तो हमें दर्शकों को बताना होता है कि ये कौन सी जगह है जहां ये दृश्य घटित हो रहा है, या ये कौन सा समय है जहां ये दृश्य घटित हो रहा है। जैसे ये गांव है या शहर है, ये समय सुबह का है, दोपहर का है या शाम का है। इस शॉट को हम बहुत दूर वाला शॉट कहते हैं, और इसमें हम गाँव के परिवेश को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये बहुत दूर का शॉट होता है, जिसमें बहुत दूर से गांव के खेत, घर, पेड़ आदि दिखाए जाते हैं। तो आइए हम एक बहुत दूर के शॉट को लेने की कोशिश करते हैं। तो देखा आपने, बहुत दूर का शॉट लेना कितना आसान है। अब हम आगे चलते हैं और दूसरे शॉट्स की बात करते हैं। अब हम दूर का शॉट लेंगे। बहुत दूर के शॉट में गांव बहुत दूर दिखाई देता है, लेकिन दूर के शॉट में सब चीजें बड़ी और साथ साथ दिखाई देती हैं। दूर के शॉट में एक व्यक्ति सिर से पांव तलक दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, इस दूर के शॉट में एक दीदी अपने घर के आंगन में बैठी हुई है, और एक व्यक्ति उनके घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। शायद वो व्यक्ति दीदी को मूंगफली के बीजों के उपचार के बारे में बताने आ रहा है। दूर के शॉट में हम फिल्म के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आइए हम सब लेते हैं एक दूर का शॉट। बीच वाला शॉट वो होता है जिसमें हम वीडियो या सीन के किरदार या व्यक्ति को सिर से कमर तक दिखा सकते हैं। जैसा कि इस शॉट में हम दीदी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस शॉट में हम दीदी के थोड़ा करीब जाकर उनको सिर से कमर तक दिखाते हैं। इस शॉट में हम दीदी के हाव भाव को भी दिखा सकते हैं। बीच वाले शॉट में हमारा ज्यादा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित होता है। हम कई तरीकों से इस शॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि दीदी किसी और से बात कर रही है, तो इन दोनों की बातचीत को हम बीच वाले शॉट में दिखा सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि दीदी सिर्फ खुद बोले, तो इस शॉट को भी
हम बीच वाले शॉट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं एक बीच वाला शॉट। अरे दीदी क्या करूं, पिछले साल भी मूंगफली की फसल बोई थी तो पूरी तरह खराब हो गई, और अब की बार भी सोच रही हूं बोने के लिए तो बोऊं या नहीं बोऊं। फसल खराब हो गई, आपने बीज उपचार नहीं किया था क्या? पास वाले शॉट में हम किसी व्यक्ति को काम करते हुए या चीजों को पास से दिखा सकते हैं, जैसे कि इस शॉट में दीदी मूंगफली के बीजों का उपचार कर रही है। पास वाले शॉट में हम मूंगफली और अन्य सामग्री को भी दिखा सकते हैं। पास वाले शॉट में हम दीदी को बातचीत करते हुए भी दिखा सकते हैं, लेकिन तब हमें कैमरा को दीदी के चेहरे पर केंद्रित करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर एक पास वाला शॉट लेते हैं। ये है मूंगफली के बीज और इसमें है बीजामृत और ये है कपड़े की बोरी। बहुत पास वाला शॉट वो होता है जिसमें हम चीजों को बहुत पास से दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो दर्शकों को बहुत साफ तरह से दिखाई दें और समझ में आए। बहुत पास वाले शॉट में हम चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर लेते हैं एक बहुत पास वाला शॉट। और इसको फैला देंगे ऐसे, और ऐसे फैलाना है दाने के ऊपर दाना ना आए, और ये एक घंटे तक सुखाना है इनको छाया में। कंधे के पीछे वाला शॉट हम ज्यादातर तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दो व्यक्तियों को आपस में बातचीत करते हुए दिखाना चाहते हैं। जैसे इस वीडियो में हम दीदी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करते हुए दिखाना चाहते हैं, और इसीलिए इस शॉट का प्रयोग कर सकते हैं, जब दीदी अपनी समस्या बता रही हो या अपना परिचय दे रही हो। आमतौर पर इस शॉट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक व्यक्ति बात कर रहा हो और दूसरा चुपचाप सुन रहा हो। जब दोनों व्यक्ति बात कर रहे हों तब इस शॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आइए हम सब मिलकर लेते हैं एक कंधे के पीछे वाला शॉट। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने बीज उपचार के बारे में। अब आप लोग अलग अलग तरह के शॉट्स देखेंगे और आपको पहचानना होगा कि ये किस प्रकार का शॉट है।